इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। खादी से बने मास्क, गमछा, रुमाल और सैनिटाइजर अब डाकघर में उपलब्ध। कोरोना महामारी के बीच संक्रमण को रोकने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, रुमाल, गमछा जैसी अन्य जरूरी सामान लोगों को उपलब्ध करवाने के लिए डाक विभाग ने पूरी तरह से कमर कस ली है। बकायदा इसके लिए प्रधान डाकघर में आज डाक शॉप का उद्घाटन प्रमंडलीय डाक अधीक्षक आरपी प्रसाद ने किया है। वहीं इस संबंध में डाक अधीक्षक आरपी प्रसाद ने बताया कि लोगों को सुलभ तरीके से और उचित कीमत पर डाक शॉप के माध्यम से खादी से बने उन्नत किस्म के मास्क, गमछा, रुमाल और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाजारों में अधिक पैसे खर्च करने के बावजूद लोगों को सही सामान नहीं मिल पाता था, लेकिन यहाँ खादी के बने मास्क, गमछा और रुमाल लोगों को मिल पाएंगे। इससे खादी ग्रामोद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा और मृत अवस्था में पहुंच चुका खादी विभाग पुनर्जीवित हो पाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, आप लोग मीडिया से आए हुए बंधु हैं, मीडिया में पहले भी निकल चुका है कि जो पटना में हम लोग इसको पहले उद्घाटन कर चुके थे, अब बोला गया था कि एक सप्ताह में हम लोग भागलपुर में भी खादी इंडिया से जो समझौता हुआ उसके तहत गमछा, रुमाल, सैनिटाइजर, मास्क की बिक्री करेंगे। आज से इसकी शुरुआत हो गई है और इसको अगर जैसा डिमांड होगा हम लोग दूर के पोस्ट ऑफिस में भी इसको बेचेंगे। रेट अलग अलग है, गमछा का अलग है, रुमाल का अलग है, 25 रुपये से लेकर के 240 रुपये तक दिखता है, हर चीज का अलग अलग का। इंकलाब टीवी समाचार आपको अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।